Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शुबान खालिद गोरिया और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल रूबरू इश्क था के एपिसोड नंबर 22 के बारे में और थोड़ा सा जानेंगे कि एपिसोड नंबर 23 में क्या होगा। एपिसोड नंबर 22 में आपने देखा कि अयान पूरी कोशिश करती है कि अलमीर उसकी बात सुन ले और कॉलेज में अयान अलमीर का रास्ता रोक कर उसकी मिन्नतें करती है कि वो उसकी बात सुन ले, लेकिन वो उसे कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ सलवा है और सलवा के दिल में मैं, तुम हटो यहाँ से। अलमीर अपने बाबा के सामने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की बात दोहराता है, जिस पर वो परेशान होकर कहते हैं कि गोली अगर फवाद की गन से नहीं चली थी तो गोली चलाई किसने थी, जिस पर अलमीर जवाब देता है कि इस बात का सबूत मिलना तो अभी बाकी है, फवाद बेकसूर था। ये बात अयान अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अलमीर अपने सारे सवालों के जवाब लेने के लिए अयान से मिलता है। अलमीर अयान से मिलते ही पहला सवाल ये कहता है कि बताओ सच क्या है। अलमीर की बात सुनकर अयान के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद अलमीर अयान को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है कि शुरू से लेकर अब तक मुझे सारी सच्चाई जाननी है, इस सारे मामले में वहाज इन्वॉल्व है और ये सच्चाई तुम जानती हो। इसके जवाब में अयान कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि अगर वो सच बता देती तो इसके कातिल होने का सबूत मिल जाना था। अयान अलमीर से कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो कोमा में थी जब वहाज भाई ने सलवा से शादी की। दूसरी तरफ सलवा स्पेशल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को अपने घर में देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि आप यहाँ, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं स्पेशल क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, आपके तावुन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके ख्याल में क्या अयान और उसके भाई का सच सामने आ जाना चाहिए और क्या अलमीर और सलवा की शादी हो जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।